पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए दिनदहाड़े थाना से महज कुछ ही दूरी पर सह थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर टोला के समीप महिंद्रा फाइनेंस बैंक से कर्मियों को बंधक बनाकर करीब 10 लाख की डकैती कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी मामलों पर जांच में जुट गई है, साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर इलाके में छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि करीब 12 बस 4 की संख्या में नकाबपोश अपराधी ग्राहक बनकर हथियार के साथ महिंद्रा फाइनेंस ऑफिस में पहुंचते हैं, कुछ काम को लेकर कर्मियों से बता करते हैं, जिसके बाद अचानक अपराधियों ने हथियार निकालकर फाइनेंस के स्टाफ को हथियार के बल पर अपने कब्जे में लेकर मारपीट कर लॉकर में बंद कर देते हैं और कैश काउंटर से करीब 8.5 लाख और अन्य बैंक कर्मियों के पर्स से करीब 50,000 निकाल कर फरार हो गए। आज करीब 12:15 की सूचना मिली थी छोटा थाना को कि कल डोमेनिया पुल्स के महिंद्रा फाइनेंस करीब 7 से 8 व्यक्ति घुसे हैं 10:30 बजे और बैंक एम्प्लॉय जो करीब 4 के एक कस्टमर था उनकी मदद से जिनके पास वॉल्ट की चीज थी और कैशियर से जितना भी तक कर्मियों द्वारा बताया जा रहा है करीब 8.5 लाख रुपए इन अपराध कर्मियों द्वारा यहाँ से लेके ये लोग भागे मौके पे सीसीटीवी टीम डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट ब्यूरो और सीसीटीवी कैमरा निकालने के लिए टेक्निकल टीम्स लगी हुई जल्द से कुछ अगले तक कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।